हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। फार्मिंग सिमुलेटर 23 के कोर गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। गाइस आज के गेम प्ले में हम एक इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग काम क्या है, इस गेम में आई एक ब्रांड न्यू क्रॉप जो है जिसका नाम है सोरगम, उसको हम आज के गेम प्ले में जो है वो हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। बिकॉज सोरगम इज़ अ ब्रांड न्यू क्रॉप इन फार्मिंग सिमुलेटर 23, और इससे पहले हमें ये क्रॉप किसी भी गेम में देखने को नहीं मिली थी। सो आई थॉट के मुझे जो है वो इस क्रॉप के साथ मज़ीद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज नई चीज़ है, इसको डेफिनेटली हमें जो है वो एक दफ़ा ट्राई जो ज़रूर करना चाहिए। और लेट्स सी के किस कैसा रहता है हमारा सोरगम का एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स अभी हम इसको हार्वेस्ट करेंगे और आगे चल के जब प्रॉपर टाइम आएगा और इसकी अच्छी एक प्राइसिंग होगी तब जाके हम इसको सेल करेंगे, जैसा कि हमने इस गेम में किया है अभी तक। कौन सी क्रॉप थी यार वो, ओट्स के साथ। ठीक है, ओट्स मैंने जो है वो 2-3 दफ़ा यहाँ पे प्लांट करे हैं और वो सारे के सारे ओट्स जो है वो अभी तक स्टोर हैं साइलोस में। और जब मेरे को लगा कि यहाँ पे अच्छी प्राइस चल रही है सो मैं उनको जो है वो सेल आउट कर दूँगा, बट एट दिस मोमेंट वो जो है वो यहाँ पे हमारे पास पड़े स्टोरी में। और यहाँ पे देख सकते हैं लालम लाल किस्म की सोरगम जो है वो निकल के आना शुरू हो चुकी है इस हार्वेस्टर की बिन में। और यहाँ पे जॉन डियर की X9 हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल हार्वेस्टर है। और इसका एक एडवांटेज जो है वो मेन एडवांटेज जो है वो जो हमारे पास यहाँ पे क्लास की लैक्सिन हार्वेस्टर है उसके ऊपर ये है कि इसका हेडर जो है वो उससे ज़्यादा बड़ा है, सो आपको ज़्यादा वर्किंग रेंज देखने को मिलती है। और जो सेक्रीफाइस आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है वो है इसकी बिन कैपेसिटी का, जो लैक्सिन हार्वेस्टर उसकी बिन कैपेसिटी से थोड़ी सी छोटी है, इसकी थोड़ी सी जो है वो बिन कैपेसिटी छोटी है। बट बिन कैपेसिटी को कौन देखता है यार, मतलब सिंपली 2-3 हज़ार लीटर से क्या फ़र्क पड़ जाता है। आप सिंपली जो है वो ट्रेलर इसके साथ ले जाते हो तो उसको एम्प्टी कर देते हो, बट जो चीज़ ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर करती है वो है इस हार्वेस्टर की वर्किंग रेंज, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इम्प्रेसिव है। और यहाँ पे इंटीरियर भी देख लेते हैं। मैंने नोटिस करा है कि मैंने अभी है ना इंटीरियर फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कम ही यूज़ करना शुरू कर दिया है, हालांकि इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप मतलब व्हीकल के अंदर से बैठ के भी जो है वो देख सकते हो। बट या कुछ लोगों को असल में प्रॉब्लम होती है, बाद में लोग कमेंट करते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन क्यों यूज़ कर रहे हो, सो इस वजह से मैं नहीं कहता। हालांकि मैं खुद जो पर्सनली गेम खेल रहा था तो मैं अक्सर जो है वो 50-50 यूज़ करता हूँ, 50% जो है मैं फ़र्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव यूज़ करता हूँ और 50% जो है वो मैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए मैं हेल्पर हायर कर रहा हूँ ताकि मेरे को जो है वो ज़्यादा टेंशन ना बने, फर्स्ट पर्सन आपको दिखाते दिखाते। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा मज़े का कमाल का व्यू जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और अगर आप हाई ग्राफिक्स पे गेम खेलोगे कसम से कभी कभी जो है वो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि ये वाकई फार्मिंग सिमुलेटर 23 है या मैं फार्मिंग सिमुलेटर 22 थोड़ी सी लो ग्राफिक्स के ऊपर खेल रहा हूँ। सो गाइस जिन लोगों की गेम नहीं चल रही ये प्रॉपर जो है वो हाई ग्राफिक सेटिंग पे, उनके लिए जो है वो दिल से जो है वो दिल से एहसास होता है कि यार वो लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। आई नो कि गेम जायंट सॉफ्टवेयर वालों ने जो है वो इतनी मतलब कि, और जिनके चलती है उनको खेलने का मज़ा भी इसलिए आता है क्योंकि गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जो है वो कार्बन कॉपी है फार्मिंग सिमुलेटर 22 की, और बिल्कुल वही वाले ग्राफिक्स हैं, वही वाली डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना डिटेल्ड इंटीरियर है फार्मिंग सिमुलेटर 20 के मुकाबले में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इंटीरियर है इसका। एनीवेज मज़ीद इसकी तरीफों के पुल नहीं बांधूंगा मैं, और यहाँ पे अभी हम चलते हैं जी जल्दी जल्दी से अपने नए नवेले ट्रैक्टर में जो कि हमने अभी पिछले गेम प्ले में ही बाय किया है। ये है जी फेंट का 700 सीरीज ट्रैक्टर। और गाइज इस ट्रैक्टर की मेरे को सबसे ख़ास बात पता क्या लगी है, इस ट्रैक्टर की मेरे को सबसे ख़ास बात ये लगी है कि इसका साउंड बड़ा कमाल का है यार। अच्छा जी, यहाँ पे अभी अगर मैं न्यू क्रॉप प्लांट करने से पहले देख लूँ कि प्रोडक्शंस का क्या सीन चल रहा है तो बेहतर होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे कनोला हमारे पास अभी सफिशिएंट है। ओ माय गॉड, यहाँ पे इसकी स्टोरेज जो है वो फुल होने वाली है, ये तो खतरे की बात है थोड़ी सी। और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यस, कनोला जो है वो भी अगर हम नहीं भी प्लांट करते तो इट्स ओके, इट्स गोना बी फाइन। सो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो अगेन यहाँ पे सोयाबीन प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी भाई जो है ना काउस के आने की वजह से ना हमारी जो पैसे बनाने की स्पीड है ना वो बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, और हमें अगर कंटिन्यूसली पैसे बनाने हैं और मतलब कि ज़्यादा पैसे बनाने हैं
तो फिर डेफिनेटली कोई ऐसी क्रॉप ही प्लांट करनी पड़ेगी जो कि हमें थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे दे दे। तो वो अगेन यहाँ पे सोयाबीन ही निकल के आती है। तो यहाँ पे इधर हम जी एक हेल्पर हायर कर देते, थोड़ा सा ये मिस कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे से जो स्टार्टिंग में मिस्टेक होगी, बट इट्स ओके, कुछ नहीं होता इतने से। सो ये कर लेगा मैनेज और बाद में हम खुद ही जो है वो बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे गाइस ये वाली हार्वेस्टर बड़ी स्पीड से भर रही है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी क्योंकि जो स्टोरेज है ना वो फुल हो चुकी है ऑयल मिल की, सो हम जल्दी से चले जाते हैं और जो हमारे पास हैं क्या बोलते हैं यार इनको, पैलेट्स हैं कनोला ऑयल के, वो उठा लाते हैं। ये ना हो कि हमारा जो है वो प्रोडक्शन उसकी रुकी रहे, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं होगा, ठीक है, निरा नुकसान जो है वो हमारा यहाँ पे होने वाला है। सो जल्दी से चलते हैं जी हम ऑयल मिल पे और भग के जो है वो ऑयल के जो है वो पैलेट्स उठा लेते हैं। यहाँ पे ये देखो मैसी फर्गसन का जो 5S ट्रैक्टर है, इसका फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में देखो कितना ज़्यादा आपको जो है वो अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्टीयरिंग व्हील ही जो है वो इसका नज़र आता है, क्योंकि अगर आप इसका फ्रंट चेक करो तो इसका हुड जो है वो स्लोप्ड है नीचे की तरफ को किया हुआ है कंपनी ने। सो डेफिनेटली कंपनी की भी जो ओरिजिनल जो है वो असेसमेंट होगी इसको डिज़ाइन करने में वो यही होगी कि ड्राइवर को जो है वो विजिबिलिटी से ज़्यादा मिले। सो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो काम कर रही है कि इसका हुड जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और स्टीयरिंग के बिल्कुल दरमियान में ही जो है वो गायब हो रहा है हुड, और आपको कोई भी व्यू की जो है वो ब्लॉकेज नहीं हो रही। तो ये यहाँ पे जी अब हम इसको थोड़ा सा बेहतर से पार्क करते हैं ताकि ये हम उठाने शुरू करें और नए भी स्पान होने हैं भैया भी, ठीक है। तो ये आगे ये बड़ी भी खच मारती है ये गेम। यहाँ पे देखो ये इसने छोड़ दिया है एक पैलेट की जगह, मतलब ये तो मेरी बकवास है यार। अच्छा अभी और पड़े हो गए यार, ये देखो अभी 5 पैलेट्स और आने हैं और ये कर नहीं कर रही, अभी निकालें भी इसने। सो एक पैलेट अभी और आना है भाई, निकाल दे भाई, क्या कर रही है। मेरे ख्याल से हमारे पास कैपेसिटी भी फुल हो गई है, सो उसके आने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। मतलब आ भी गया तो कौन सा भी हम पिक कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा ट्रेलर है इसमें 12 ही आ सकते थे और वो कैपेसिटी जो है इसकी फुल हो चुकी है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो 14 आने चाहिए थे, आने चाहिए इस ट्रेलर के ऊपर, क्योंकि लास्ट में जो है वो एक पूरे एक पैलेट की जो है वो ये जगह छोड़ देती है गेम। और मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस है, जहाँ सॉफ्टवेयर वाला ने क्यों जो है वो इसको ऐसे किया, बट फिर भी ये ट्रेलर जो है वो हज़ार नेमत है, क्योंकि ये एक उन्होंने लाइफ हैक दे दिया टाइम सेविंग का। और अब लोग क्या करते हैं कि यही वाला जो है वो ट्रेलर ही यूज़ करते, फ्रंट लोडर को यूज़ ही नहीं करता। और टेक्निकली देखा जाए तो बनती भी है ये ऐसे ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो निरा बेवकूफ़ होगा वो शख्स जो फ्रंट लोडर यूज़ करेगा, या फिर एंथुजियस्ट होगा जिसको मतलब कि रियलिस्टिक गेम प्ले पसंद हुआ वही यूज़ करेगा। और अगर एक बंदा है जो पैसे बचाना चाहता है और काम जल्दी करना चाहता है और टाइम और पैसा दोनों चीज़ें बचाना चाहते हैं, सो वो तो फ्रंट लोडर यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इस ट्रेलर के होते हुए। सो मेरे ख्याल से ये जायंट सॉफ्टवेयर ने ना खुद ही जो फ्रंट लोडर है उनको जो है वो गोली मार दी है, तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। ये ट्रेलर जो है इसमें ऑटो लोड का फीचर होना ही नहीं चाहिए था। सो खैर अभी हम क्या कर भी क्या सकते, अभी मर्ज़ी है डेवलपर्स लोगों की। तो यहाँ पे अगस्त का मंथ जो है वो आ चुका है, जून का मंथ, जून और जुलाई दोनों के मंथ जो है वो गुजर चुके हैं। मेरे को यहाँ पे सोयाबीन सेल करनी थी और अभी जाके मेरे को याद आया, तो ये तो बड़ा मतलब कि हाथ हो गया मेरे साथ, लोचा हो गया। ओहो हो हो, ये क्या कर दिया मैंने, मतलब गेम खेलते खेलते मेरे को पता ही नहीं चला कि अगस्त का महीना मैं जो है वो ले आया यहाँ पे। और हालांकि मैंने इतना इम्पोर्टेंट काम करना था, मैंने सोयाबीन जो है वो अपनी सेल करनी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी बट ठीक ठाक पैसे हमारे पास जो है वो आ जाने थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक तो यार इसका जैसे ही मेन्यू ओपन करो ये गेम जो है वो उस टाइम रुक जाती है। सो कोई भी मेन्यू ओपन करो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्राइसेस में जाके। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 71,000 सोयाबीन थी यार, इतनी कम भी नहीं थी, ठीक ठाक पैसे आ जाने थे। बट आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग। और अगर हम यहाँ पे इसकी प्राइसेस की बात करें सोरगुम की, तो शो प्राइस फ्लक्चुएशन, सो
एटलीस्ट इसका यील्ड जो है वो बेटर है और मैक्सिमम प्राइस इसकी होने वाली है जनवरी के मंथ में. सो आई गेस हमें थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा फिर इसको हार्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब अभी जाके हमें जो है वो इसको प्लांट करना चाहिए था, बट थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो यहाँ पे मिसमैच हो चुकी है हमारी. बट इट्स ओके, ज़्यादा जो है वो मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमें भी कौन सा है इतनी इमरजेंसी है पैसों की. और अभी नवंबर का मंथ आने वाला है तो वहाँ पे हमने वैसे भी पैसे ही पैसा बना लेना है ये कनोला ऑयल जो है वो सेल करके. सो अच्छे खासे हमारे जो है वो गुजारे लायक पैसे यहाँ पे हो जाएंगे कनोला का ऑयल जो है वो सेल करने के बाद. और यहाँ पे गाइज अभी मैं ना थोड़ा सा मैनुअली हार्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन में आके ना फील्ड के ये जो हेल्पर है ना बिल्कुल बुखला जाता है, पागल हो जाता है. सो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब सी हरकतें करता है, फिर मेरे को बाद में आता है गुस्सा. सो इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, अपना मूड ख़राब होने से बचाते हैं, तो बेहतर है कि मैं इसको यहाँ पे एंड पे खुद ही हार्वेस्ट कर लूँ. और यार क्या लाइटिंग आ रही है यहाँ पे, ज़बरदस्त कमाल हो गया, मज़ा आ रहा है आज गेम खेलने का. वरना यूजुअली ऐसा होता है गाइस कि अगस्त के मंथ में ना बहुत टेरिबल किस्म की लाइटिंग होती है, बट आज पता नहीं क्या हुआ है कि अगस्त के मंथ में अच्छी लाइटिंग आ रही है, कलर भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, वरना येलो येलो सी हो जाती है गेम. मेरे ख्याल से सीजन्स मूड ऐड करके इन्होंने गेम को मज़ीद जो है वो आई डोंट नो इन्हेंस तो मैं नहीं कहूँगा, इसको बिल्कुल भी नहीं हुई है. और इस तरह का वेदर रहता है यूनिवर्सल साथ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहना था. या तो फिर अगर इन्होंने सीजन्स मूड ऐड करना था तो फिर स्नो भी डालते ना उसमें, तो मतलब फिर ये भी ऑप्शन रखते कि आप क्रॉप्स जो है वो सीजन्स के मुताबिक प्लांट करो. सो क्लो क्रॉप्स आपका जब दिल करे वो आप प्लांट कर सकते हो, वो दूसरा ऑप्शन हमें दिया नहीं. वो अलग बात है कि अगर ये ऑप्शन होता कि सीज़न के मुताबिक क्रॉप्स प्लांट करनी हैं और प्लेयर्स को फोर्स किया जाता, सो वो मेरी तरफ से सबसे बिगेस्ट नो होता, क्योंकि मेरे लिए मतलब कि ऐसी गेम खेलना आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था. बट ठीक है फिर भी. या तो कम से कम शेडर्स तो अच्छे कर लेते हैं ना ये, बिल्कुल इसके जो सीजन्स के शेडर्स हैं ना मुझे वो पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट. जो लाइटिंग हो जाती है ना गेम की वो खासी जो है वो डिस्टर्बिंग किस्म की होती है, एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल. और अब मैं क्या करूँ यार, इससे ज़्यादा अभी मैंने इसकी बतकोई नहीं करना चाहता. सो यहाँ पे अभी हम चाहते हैं जो दूसरा ट्रेलर ब्रिंग करके लाते हैं उसको, दूसरा जो सीडर है सॉरी ट्रेलर बोल रहा हूँ, सो उसको हम लगा देते हैं इसके साथ ही जी पीछे पीछे बड़े फील्ड में. वैसे इज देयर एनी क्रॉप के जिसको हम प्लांट करें और उसकी हाईएस्ट प्राइस चल रही है नवंबर दिसंबर में? सो कनोला की प्राइस नवंबर में हाई होती है, वाह मुझे नहीं पता था ये. ओट्स की प्राइस हाई होती है दिसंबर में, ओके. बार्ले भी दिसंबर में, वीट भी दिसंबर में, और ये फेबररी में ग्रेप्स की प्राइस हाई होती है, ऑलिव्स की प्राइस हाईएस्ट होती है जनवरी के मंथ में, सनफ्लावर मार्च में, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, और कॉर्न की प्राइस भी जनवरी में हाईएस्ट रहती है. यस आई गेस जनवरी और जून दोनों साथ साथ ही हैं, नहीं जून के मंथ में होती है. पोटैटोज जनवरी के मंथ में, और अगेन वाह यार, मतलब सितंबर अक्टूबर में कोई क्रॉप है ही नहीं जो मतलब कि एक्सपेंसिव होती है, अजीब ही बात है भाई. एनीवेज बैक टू द गेम. और यहाँ पे अभी हम चलते हैं जी और ये सीड चेंज कर लेते हैं याद से, बाद में जो है वो अगर भूल जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. एंड थैंक गॉड वैसे आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या किसी बड़े फील्ड में और मैंने जो है वो मिक्स किस्म की क्रॉप प्लांट कर दी, मतलब एक सीडर कोई और क्रॉप प्लांट कर रहा है दूसरा, आज तक ऐसा हुआ नहीं है थैंकफुली. और पता नहीं क्यों वैसे मेरे मुझे याद रह जाता है, हालांकि इस तरह की बोंगियाँ मैं अक्सर मार देता हूँ, बट आई डोंट नो कि कैसे ये मेरे को हमेशा याद रह जाता है कभी सीड चेंज करने. और यहाँ पे जी चल रही है हार्वेस्टर और गुड गुड गुड. यहाँ पे अभी मैं एनिमल्स का स्टेटस चेक कर लेता हूँ क्विकली. सो यहाँ पे मिल्क जो है वो 28,000 लीटर जो है वो हो चुका है, और इसके अलावा अगर शीप की बात करें सो वूल मैं अभी रिसेंटली उठा के उनकी फेंक आया था स्पिनरी के ऊपर, सो वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी. सो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शंस की बात करें
और हम प्रोडक्शन देखें चीज़ की, सो चीज़ जो है वो भाई मेरे मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ निकला होगा। बट एनीवेज भाग के जब तक ये ट्रैक्टर जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोग जो है वो भाग के यहाँ पे ये मिल्क के जो कंटेनर हैं ये इनको छोड़ाते हैं। अबे यार यहाँ पे तो मैंने आगे ये बेलर लगा रखा है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं पहले, ये ना के बाद में ये बेलर ही हमारे लिए जो है वो परेशानी का सबब बनता फिरे। इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, ठीक है यहाँ पे पार कर देते हैं। असल में यहाँ पे मैंने इसलिए पार कर रखे हैं क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ही दूर पार कर देता हूँ तो मेरे को मिलते नहीं है टूल, तो बड़ा ढूंढना पड़ता है उनको बाद में। सो इट्स ईजी टू रिमेंबर, और इस तरह से जो है वो बाद में याद रह जाते हैं। और इसको अभी रिवर्स करते हैं, थैंक गॉड। अच्छा ये ऑलरेडी दोनों टैंकर जो है वो भर चुके हैं, सो इसके बाद हमें जो है वो मज़ीद इनको अनलोड करना पड़ेगा। ट्रैक्टर थोड़ा सा छोटा है, ये मेरे लिए थोड़ी सी एक मुझे जो है वो टेंशन वाली बात लग रही है, हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। तो ट्रैक्टर गाइस मेरे को थोड़ा सा जो है वो छोटू लग रहा है, और अगर मैंने इसको प्रॉपरली ड्राइव ना किया तो ये बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है, सो मेरे को बहुत ही केयरफुली जो है वो ड्राइव करना पड़ेगा। वैसे जब भी मैं इस तरह की कोई बात करता हूँ ना, केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, उसी टाइम जो है वो कांड हो जाता है। मैं कुछ इस तरह की जो है वो मेरा लक चल रहा है आजकल, सो आई होप कि यहाँ पे अभी कुछ ऐसा ना हो और ठीक ठाक ये दोनों ट्रेलर में लेके जो है वो पहुँच जाऊँ क्या बोलते हैं यार डेरी के ऊपर। यार पता नहीं क्यों मैं ना ये आजकल हकलाना कुछ ज़्यादा शुरू हो गया, मतलब मेरे माइंड में ना दो तीन चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। ओ भाई ये देखो इसके और काम देखो, 24 के ऊपर आ गई स्पीड, क्या करें यार बेचारा छोटू सा तो ट्रैक्टर है, हॉर्स पावर भी जो है इसकी कम ही है गरीब की, अब क्या करें। सो यार ये iOS का मेरे को ना बहुत जहर फीचर लगता है। ओ भाई चेक करो, चार पैलेट्स तो बना रखे हैं चीज़ के, अब मैं समझ रहा था अभी तक कोई चीज़ का पैलेट नहीं बना होगा। चलो वैसे चीज़ की प्रोडक्शन जनरल स्लो है, मतलब काफ़ी देर से हमने चीज़ जो है वो अनलोड करा था यहाँ पे, अभी तक सिर्फ चार पैलेट ही बने, तकरीबन 3 से 4 दिन मैं जो है वो स्किप कर चुका हूँ यहाँ पे, और पांचवा पैलेट शायद अंदर बन रहा है। और 722 लीटर्स की यहाँ पे शो करवा रहा था उसकी प्रोडक्शन, अभी मैं आपको जो है वो चेक करवा देता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका ट्रिगर बड़ा है तो मतलब ज़्यादा निकलने चाहिए, सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ चीज़। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके ये 724 लीटर जो है वो शो करवा रहा है, और अभी यहाँ पे हमारे पास मिल्क आ चुका है 26,000 लीटर। तो मिल्क भी इसका मतलब है कि हमारा कंज्यूम तो नहीं हुआ था, मिल्क अभी था इसका मतलब है। सो चलो कोई बात नहीं गाइस, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बनता रहेगा, और काउस जो है वो मेरे ख्याल से इसी काम ही आएंगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से हम चॉकलेट बना सकते हैं, बट चॉकलेट के लिए और क्या चीज़ चाहिए वो मेरे को नहीं पता चॉकलेट के लिए। ओके अभी हमने ये डेयरी बाय कर ही ली है, सो मेरे ख्याल से हम प्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। ओके चॉकलेट के लिए चाहिए शुगर, सो शुगर जो है वो भी हमें अरेंज करनी पड़ेगी। प्राइस क्या चल रही है वैसे चॉकलेट की? चॉकलेट कहाँ पे है ये चॉकलेट? ओ भाई 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 भाई, मतलब इतना वक्त करो और सिर्फ 6,6400 डॉलर, मतलब ये तो बिल्कुल यार चुल सीन है। मेरे को नहीं बनानी भाई चॉकलेट, मतलब डेयरी मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी फजूल किस्म की प्रोडक्शन है, आप इसके ऊपर कुछ भी करो उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको जितना बाकी चीज़ों के ऊपर मिल सकता है। और बाकी की प्रोडक्शन मतलब इस गेम में बहुत ही प्रोडक्शन है यार, जो कि मतलब इन दो प्रोडक्शन से अच्छी होंगी जो भी डेयरी के ऊपर अभी चल रही हैं। सो ये तो थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ है गाइस, मतलब मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे को ये काउ सेल कर ही देनी चाहिए। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख सकते हैं कि क्या करूं मैं अपनी काउ सेल कर दूं, क्योंकि गाइस काउ की वजह से ना मेरी प्रोग्रेस बहुत रुक रखी है, सीधी बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि
पहले काउस नहीं थी तो मैं धड़ाधड़ जो है वो क्रॉप्स प्लांट करता रहता था। अब मैं एक डे स्किप करता हूँ तो काउस मरने वाली हो चुकी होती हैं और उनकी प्रोडक्शन मेंटेन रखने के लिए मेरे को उनको फीड करना ही पड़ता है, और उनको फीड करने के चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। सो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी मैं क्या करूँ, काउस को रखूँ कंटिन्यू करूँ या फिर इनको सेल करके मूव ऑन कर जाऊँ और बाकी की प्रोडक्शंस के ऊपर जो है वो ट्राई आउट करूँ और कुछ चैलेंज स्टार्ट करने के काबिल हो जाऊँ। मतलब अभी हमने इस गेम में चैलेंज भी शुरू करने हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन में भी। सो क्या करूँ, या फिर अगर लेट्स सपोज मैं चाहूँ कि यहाँ पे अभी मैं जॉन डियर ओनली फार्म बनाना चाहूँ या केस ओनली फार्म बनाना चाहूँ तो तब भी गाइज मेरे को जो है वो पैसा तो चाहिए ही चाहिए होगा, और काउस के रहते पैसे की प्रोडक्शन मनी मतलब पैसा जो है वो स्लो डाउन हो चुका है, क्योंकि एक जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था फार्मिंग वो खासा जो है वो स्लो हो चुका है थैंक्स टू काउस। सो अब जो है वो ओबे यार ये हार्वेस्टर को तो मैंने चेक ही नहीं किया, ट्रैक्टर जो है वो इसके सर पे आने वाला है। ओके ओके ओके, मेरे को लगता है इसको मेरे को पास करना पड़ेगा। अबे रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, तो बाद में अपनी स्पीड दिखा लेना। बातों बातों में मेरे को बिल्कुल ही नहीं याद रहा कि ये मैंने सोयाबीन नहीं लगा रखी बल्कि यहाँ पे सोरगुम थी, और सोरगुम का भाई यील्ड बहुत हाई आ रहा है फिलहाल। कम अज़ कम इसका यील्ड मेरे ख्याल से कनोला से तो बेहतर ही है और ओट्स से भी बेहतर है, ओट्स से जो है वो खासा बेहतर है इसका ये। वैसे ओट्स की क्या प्राइस चल रही होगी, 2000 के राउंड अबाउट मेरे ख्याल से, चेक करते हैं अभी। एक इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि किसी एक चीज़ की प्राइस जो है वो माइंड में नहीं रहती। कनोला शो प्राइसेस और फ्लक्चुएशन, यस 2000 के राउंड अबाउट है, सो उतना इसका यील्ड कम हो जाता है। सो ये है जी सीन यहाँ पे, और अभी हमने इसको वापस जो है वो हार्वेस्टिंग पे भी लगाने, थैंक गॉड के मुझे अभी याद आ गया, वरना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जानी थी और कुछ एरिया उसने वैसे ही जो है वो दोबारा से उसके ऊपर प्लांट कर लेनी थी, और हमने इतनी मेहनत करके जो है वो ये प्लांट करी है क्रॉप, सो हम क्यों ज़ाया होने दें भाई इसको, इतना वेट करा है इसका, इसके रेडी टू हार्वेस्ट होने का, सो वी कैन नॉट वेस्ट दिस गाइस। यहाँ पे अभी इसको वापस से चालू कर देते हैं, और यहाँ पे अगेन वापस से जो है वो हेल्पर को भी चालू कर देते हैं, और इसको अभी हम लेके चलते हैं। अब ये चढ़ाई के ऊपर है तो ये और भी स्लोली एक्सेलरेशन जो है वो पकड़ेगा। सो इसके बाद गाइज हम देखते हैं कि चीज़ की प्राइस कौन से मंथ में हाई होती है, अगर तो इसी मंथ में होती है तो थोड़ा सा फूंक देते हैं, और अगर आगे चल के होने वाली है हाईएस्ट तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, और अगर अच्छी मिल रही कोई 100-200 डॉलर्स का ही फ़र्क हुआ तो मैं तो बोलता हूँ अभी फूंक देते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे अभी मेरे को भी थोड़ी से पैसों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे एक मैनर स्प्रेडर बाय करना है, और मैंने इसीलिए नहीं बाय किया क्योंकि अगर मैंने बाय कर लिया तो मेरे पास बाकी के काम करने के लिए पैसे जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। आपके पास हमेशा जो है वो 50-60 हज़ार डॉलर्स जो है वो होने चाहिए। तो यहाँ पे प्राइसेस चेक कर लेते हैं जी, चीज़ कहाँ पे है अभी एक तो ढूंढना पड़ता है। ओके 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 ओके, सो अभी अगले मंथ में चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, इंटरेस्टिंग। सो चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब है हम अगले मंथ तक का वेट कर लेते हैं। सो गाइज़ अगले मंथ में हम लोग जी ये चीज़ सेल करेंगे, तब तक ये सोरगुम हार्वेस्ट हो चुकी होगी, इससे पीछे जो है वो सोयाबीन जो है वो प्लांट हो चुकी होगी होपफुली, और भी बहुत से काम हैं अभी आगे जाके करने वाले। सो आज का गेम प्ले जो है वो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपको आज का गेम प्ले जो है वो पसंद आया होगा। यहाँ पे जाते जाते जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।